सरकारी स्कूलों के लिए जारी हुआ छुट्टी का कैलेंडर, जानिए किस त्योहार पर कब कब मिलेगी छुट्टी। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बिहार के शिक्षा विभाग ने 2025 के लिए स्कूलों में छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें कई धार्मिक और राष्ट्रीय त्योहारों के अवसर पर अवकाश की घोषणाएं की गई हैं। आपको बता दें कि इस नए कैलेंडर ने पूर्व ACS KK पाठक के फैसले को भी पलट दिया है। KK पाठक ने कई महापुरुषों की जयंती पर स्कूल खोलने का फैसला लिया था, लेकिन अब उन महापुरुषों की जयंती पर भी स्कूल बंद रहेंगे। इस साल कुल 72 छुट्टियां निर्धारित की गई हैं, जो राज्य के सभी सरकारी राजकीयकृत परियोजना उत्क्रमित प्रारंभिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लागू होंगी। हालांकि इन छुट्टियों में से 7 त्यौहार रविवार को पड़ेंगे। इस कैलेंडर के अनुसार विशेष तौर पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 2025 में होली के अवसर पर 2 दिनों की छुट्टी मिलेगी। दिवाली और छठ पूजा को मिलकर विद्यार्थियों को कुल 10 दिनों की छुट्टियां दी जाएंगी। इसके अलावा गर्मी की छुट्टियों की अवधि 20 दिनों की होगी। दुर्गा पूजा के दौरान 5 दिन लगातार छुट्टियां दी जाएंगी। इसके अलावा महाशिवरात्रि, हरतालिका तीज, महावीर जयंती, रामनवमी, ईद और बसंत पंचमी जैसे पर्वों पर भी 1-1 दिन की छुट्टियां निर्धारित की गई हैं। वहीं राष्ट्रीय त्यौहार जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती स्कूल में मनाए जाएंगे और शिक्षक व बच्चों दोनों को ही इस अवसर पर उपस्थित रहना होगा। तो चलिए अब इसे विस्तार से जानते हैं कि राज्य में 2025 के साल भर में कई त्योहारों पर स्कूल में कब कब छुट्टियां रहने वाली हैं। तो सबसे पहले साल के शुरुआत के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले साल के पहले महीने जनवरी से शुरुआत करते हैं। तो 6 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती, 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर स्कूल बंद रहेंगे। फरवरी में बात करें तो 3 फरवरी को बसंत पंचमी, 12 फरवरी को रविदास जयंती, 14 फरवरी को सबे बारात और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के अवसर पर स्कूल बंद रहने वाले हैं। मार्च में 14 और 15 मार्च को होली के कारण बंद रहेंगे। 22 मार्च को बिहार दिवस और 28 मार्च को रमजान का आखिरी जुम्मा। वहीं 31 मार्च को ईद उल फितर के कारण स्कूल बंद रहेगा। अप्रैल में 6 अप्रैल को रामनवमी, 10 अप्रैल को महावीर जयंती, 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती, 18 अप्रैल को गुड फ्राइडे, 23 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह जयंती के अवसर पर स्कूल बंद रहने वाले हैं। मई में 1 मई को मई दिवस के कारण, 6 मई को जानकी नवमी और 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा के कारण स्कूल बंद रहेंगे। जून की बात करें तो 2 जून से 21 जून तक गर्मी की छुट्टी रहेगी। बकरीद और कबीर जयंती के कारण भी स्कूल बंद रहेंगे। जुलाई की बात करें तो 6 जुलाई को मुहर्रम के कारण स्कूल बंद रहेंगे। अगस्त में 4 अगस्त को अंतिम श्रावणी सोमवार के कारण स्कूल बंद रहेगा। 9 अगस्त को रक्षाबंधन और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के कारण स्कूल बंद रहने वाला है। वहीं 16 अगस्त को कृष्णा जन्माष्टमी और 26 अगस्त को हरतालिका तीज के कारण स्कूल बंद रखा जाएगा। 5 सितंबर को हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर, 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के अवसर पर, 15 सितंबर को ज्योतिया के अवसर पर और 22 सितंबर को दुर्गा पूजा कलश स्थापना के कारण स्कूल बंद रहेगा। वहीं 29 और 30 सितंबर को दुर्गा पूजा के कारण स्कूल बंद रहेगा। बात करें अक्टूबर की तो 1 और 2 अक्टूबर को दुर्गा पूजा व महात्मा गांधी जयंती, 20 से 29 अक्टूबर तक धनतेरस, दिवाली, चित्रगुप्त पूजा और भैया दूज और छठ पूजा के कारण स्कूल बंद रहने वाला है। 5 नवंबर को गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा, दिसंबर में 25 से 31 दिसंबर तक शीतकालीन अवकाश के कारण, 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के कारण, 6 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती के कारण स्कूल बंद रहेंगे। इस कैलेंडर के अनुसार छात्र छात्राओं को कई धार्मिक और सांस्कृतिक अवसरों पर विद्यालयों से अवकाश मिलेगा, लेकिन गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती जैसे राष्ट्रीय पर्वों पर सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों को स्कूल में उपस्थित रहना होगा। बिहार सरकार के इस कदम से छात्रों और उनके अभिभावकों को वर्ष 2025 के लिए शैक्षिक सत्र के दौरान छुट्टियों की योजना बनाने में मदद मिलेगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। सरकार के इस जारी हुए छुट्टियों के कैलेंडर पर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।